नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो 1 मार्च से बांग्लादेश और इंग्लैंड के बीच एक शानदार सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस सीरीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इस सीरीज का क्या शेड्यूल रहेगा, इस सीरीज में टोटल कितने मैचेस खेले जाएंगे, मैचों की टाइमिंग क्या होगी, मैचेस कौन से वेन्यूज पर खेले जाएंगे, इसके अलावा इस सीरीज के लिए बांग्लादेश और इंग्लैंड दोनों टीमों का क्या स्क्वाड रहेगा, और आप इस सीरीज सभी मैचेस का लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग कौन-कौन से टीवी चैनल्स और मोबाइल ऐप की मदद से देख पाओगे। तो इस एक वीडियो में आपको इस सीरीज के बारे में सभी जानकारी मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस समय इंग्लैंड की टीम बांग्लादेश के दौरे पर है, और इस दौरे पर बांग्लादेश और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे और 3 T20 मैचों की एक बेहतरीन सीरीज खेली जाएगी, जबकि इस दौरे की शुरुआत वनडे सीरीज के साथ होगी। तो अगर हम सबसे पहले वनडे सीरीज के शेड्यूल की बात कर लें तो पहला वनडे मैच खेला जाएगा 1 मार्च को शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका में, जबकि दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा 3 मार्च को शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका में। इसके अलावा वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच खेला जाएगा 6 मार्च को जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम चट्टोग्राम में। अगर हम बात कर लें इन तीनों वनडे मैचेस के टाइमिंग की, तो ये तीनों वनडे मैचेस इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह के 11:30 बजे से, यानी कि 11:30 AM से स्टार्ट होंगे। वनडे सीरीज के बाद इन दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की एक T20 सीरीज भी खेली जाएगी, जिसका पहला T20 मैच होगा 9 मार्च को जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम चट्टोग्राम में, जबकि दूसरा T20 मैच खेला जाएगा 12 मार्च को शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका में। इसके अलावा T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच होगा 14 मार्च को शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका में। अगर हम बात कर लें इन सभी T20 मैचेस के टाइमिंग की, तो ये तीनों T20 मैचेस इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 5:30 बजे से, यानी कि 5:30 PM से स्टार्ट होंगे। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं वनडे और T20 सीरीज के लिए दोनों टीमों के स्क्वाड्स के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले इंग्लैंड के स्क्वाड की बात कर लें, तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने वनडे और T20 सीरीज के लिए 15 मेंबर्स का स्क्वाड अनाउंस किया था, जहां पर यंग बैट्समैन टॉम एबल और युवा स्पिनर रेहान अहमद को पहली बार ODI और T20 स्क्वाड में शामिल किया गया था। लेकिन टॉम एबल इंजरी की वजह से ODI सीरीज से बाहर हो चुके हैं, और उनकी जगह पर रिप्लेसमेंट के तौर पर विल जैक्स को शामिल किया गया है। तो इंग्लैंड का ODI स्क्वाड इस प्रकार का नजर आ रहा है। कप्तान के रूप में आपको नजर आएंगे जॉस बटलर, इसके अलावा होंगे विल जैक्स, रेहान अहमद, मोइन अली, जोफ्रा आर्चर, सैम करन, साकिब महमूद, डेविड मलान, आदिल रशीद, जेसन रॉय, फिल सॉल्ट, रीस टॉपली, जेम्स विंस, क्रिस वोक्स और मार्क वुड। इसके बाद दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इंग्लैंड के T20 इंटरनेशनल स्क्वाड के बारे में। तो इंग्लैंड का T20 इंटरनेशनल स्क्वाड इस प्रकार का नजर आ रहा है। कप्तान के रूप में आपको नजर आएंगे जॉस बटलर, इसके अलावा होंगे टॉम एबल, रेहान अहमद, मोइन अली, जोफ्रा आर्चर, सैम करन, बेन डकेट, विल जैक्स, क्रिस जॉर्डन, डेविड मलान, आदिल रशीद, फिल सॉल्ट, रीस टॉपली, क्रिस वोक्स और मार्क वुड। इसके बाद दोस्तों, हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश के स्क्वाड के बारे में। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस वनडे सीरीज के लिए 14 मेंबर्स का स्क्वाड अनाउंस किया है, और इस स्क्वाड में बांग्लादेश के कैप्टन तमीम इकबाल की वापसी हो चुकी है इंजरी के बाद। तो आपको बांग्लादेश का ODI स्क्वाड इस प्रकार का नजर आ रहा है। कप्तान के रूप में आपको नजर आएंगे तमीम इकबाल, इसके अलावा होंगे लितिन कुमार दास, नजमुल हुसैन शांतो, शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहीम, आफीफ हुसैन, महमूदुल्ला, मेहदी हसन मिराज, मुस्तफिजुर रहमान, तस्किन अहमद, हसन महमूद, इबादत हुसैन चौधरी, ताइजुल इस्लाम और तौहिद हिदोय। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश का T20 इंटरनेशनल स्क्वाड अनाउंस नहीं किया है, बहुत ही जल्द स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा। तो जैसे ही स्क्वाड अनाउंस होगा, आपको सबसे पहले अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश और इंग्लैंड के बीच होने वाली वनडे और T20 सीरीज की लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले लाइव टेलीकास्ट की बात कर लें, तो इंडिया में इस वनडे और T20 सीरीज का लाइव ब्रॉडकास्टिंग राइट्स किसी भी स्पोर्ट्स चैनल के पास नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको इंडिया में इस वनडे और T20 सीरीज के सभी मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग देखनी है, तो आपको प्ले स्टोर से फैन कोड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, या फिर फैन कोड की वेबसाइट पर जाना होगा, क्योंकि फैन कोड के पास इस वनडे
वनडे और टी20 सीरीज के सभी मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग राइट्स मौजूद हैं, और उसके बाद वहां पे आपको इस सीरीज का टूर पास परचेस करना होगा जो कि 89 रुपीज का होगा। तभी दोस्तों आप इस वनडे और टी20 सीरीज के सभी मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग अपने मोबाइल फोन में एंजॉय कर पाओगे। इसके अलावा अगर हम बात कर लें अदर कंट्रीज की, तो बांग्लादेश में इस वनडे और टी20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टी स्पोर्ट्स चैनल पर किया जाएगा, जबकि बांग्लादेश के मोबाइल व्यूअर्स रैबिट होल बीडी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल की मदद से भी इस वनडे और टी20 सीरीज के सभी मैचेस की लाइव स्ट्रीमिंग एंजॉय कर पाएंगे। इसके अलावा यूके में आप स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट चैनल की मदद से इस वनडे और टी20 सीरीज के सभी मैचेस का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो, जबकि यूएसए और कनाडा में आप विलो टीवी चैनल की मदद से इस वनडे और टी20 सीरीज के सभी मैचेस का लाइव टेलीकास्ट एंजॉय कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, ये रही बांग्लादेश और इंग्लैंड के बीच होने वाली वनडे और टी20 सीरीज से जुड़ी सभी जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपके हिसाब से कौन सी टीम ये वनडे और टी20 सीरीज जीतेगी। इसके अलावा क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।